हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए घर में बैठे बैठे आसान तरीका चाउमीन बनाना दिखाता हूँ आज। चलिए मेरे चैनल से MB चैनल आओ देखते हैं। पहले मैंने पानी गरम करके चाउमीन का दो डाल दिया मैंने। देखिए ये पकने लगा है, ज़्यादा पकने मत देना। ज़्यादा पक गया तो ये नरम हो जाएगा, ज़्यादा नरम हो जाएगा। पानी में कुछ देने की ज़रूरत नहीं। देखिए अच्छी तरह से पक रहा है, उबल भी रहा है। देखिए अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। हाँ हो गया, मैं भी निकालता हूँ उसको। देखिए मैं पानी के बाहर निकल दिया इसको, थोड़ा बर्तन में और थोड़ा ऑयल देके मैं इसको मिक्स करूँगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई चिपक ना जाए, लग ना जाए। देखिए और यहाँ का जो कलर है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। देखिए मैं इसको ठान होने दूँगा, अभी मैं थोड़ा रख के ठान होने के बाद मैं अभी मसाला बनाता हूँ इसके। ये है गाजर, गाजर को मैं छोटा छोटा करके काटता हूँ। देखिए ये पत्ता गोभी भी दे सकते हैं हम लोग, और भी आसान होता है, खाने में भी टेस्ट होता है पत्ता गोभी देने से। देखिए इतना छोटा छोटा, ये भी नूडल की तरह हो गया। दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा MB चैनल में कोई भी रेसिपी आएगा आपको पहले मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। ये छोटा छोटा करके हो गया, और ये शिमला मिर्च, इसको भी मैं अंदर के जो बीज है उसको काट के फेंक दूँगा, तो अंदर का निकल रहा है। मैं इसको छोटा छोटा करके फिर से फिश किया। देखिए लंबा लंबा करके, ये भी नूडल की तरह है। देखा बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। प्याज भी आप डाल भी सकते हैं, नहीं डालते, मैं प्याज डाल रहा हूँ। प्याज तो गर्मी होता ही है, इसलिए मैं प्याज भी मैं डाल रहा हूँ। प्याज को भी छोटा छोटा कर दिया मैंने स्लाइस की तरह। देखिए आप लोग घर में सलाद खाते हैं ऐसे ही, अभी मैं इसको तेल गरम किया मैं कढ़ाई में। पहले अंडे को फ्राई करूँगा। देखिए दो अंडे दूँगा मैं अभी। देखिए ये धीरे धीरे से पक रहा है, ज़्यादा पकने का कोई ज़रूरत नहीं। बस ये हो गया, दूसरा ये भी ऐसा ही है। अब मैं इसको निकल के पहले हो गया, मैं कढ़ाई में प्याज डाल दिया मैंने। देखिए घर में बनाना आसान है, कोई भी बना के खा सकता है, किसी की फास्ट फूड दुकान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सा है, बना सकते हैं आप लोग घर में, ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। प्याज हो गया, मैंने पहले से थोड़ा चिकन बॉईल करके रखा। आप लोग चाहे तो एक साथ भी बना सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो। देखिए ये थोड़ा मैंने चिकन डाला घर के लिए, मैंने चिकन थोड़ा रखा था, मैंने डाल दिया। आप भी डाल सकते हो चिकन भी अंडे भी। ये मैंने डाल दिया पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची,
गाजर, मैं इसको पकाऊंगा अभी मैं, थोड़ा सा नमक, अपना स्वाद के अनुसार, ज़्यादा कम। काले मिर्च का पाउडर है ये, और थोड़ा सा मैं चीनी लेता हूँ, हो गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगा, देखिए ये तो पक गया, थोड़ा थोड़ा से मिक्स करना चाहिए, थोड़ा उसको फ्राई करना पड़ेगा 5 मिनट या 4 मिनट तक। तो पक गया ये, मैंने सोया सॉस थोड़ा मेरे चाउमीन के हिसाब से मैंने डाला, ज़्यादा चाउमीन है तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम हो तो कम डाल सकते हो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा डालने से ये आ जाएगा। अब मैं चाउमीन को डालता हूँ धीरे धीरे से, तो कलर भी अच्छा है, पहले मैंने वहाँ पर ऑयल डाला, देखिए कलर भी चमक रहा है, मैं धीरे धीरे इसको मिलाऊंगा, ये देखिए अच्छी तरह से जो दोनों मिक्स करना चाहिए ये छवि को। अब ये पहले का जो अंडा है मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि सोया सॉस में अंडा मिक्स करने से, सोया सॉस बाद में देने से वो अंडे कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अंडे को भी अपने कलर रखने के लिए मैंने ऐसा किया, बाद में दिया मैंने, पहले थोड़ा फ्राई करके रख दिया मैंने, अभी मैंने मिक्स कर दिया, देखिए आसान है, ये हम लोग घर में बना के खा सकते हैं। ये रहा मेरा चाउमीन, आप अच्छी तरह से बना के खा सकते हैं। मेरे को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शुक्रिया, जय हिंद।